कैसे हो दोस्तों। फास्ट फूड हर जगह है, गरीब देशों से लेकर अमीर देशों तक। सब्ज़ी खाने वालों के लिए सब्ज़ी वाला फास्ट फूड और नॉनवेज खाने वालों के लिए सबसे ज़्यादा होता ही ये है। क्या आप जानते हैं, अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काम करते हैं तो आप वहाँ भी फास्ट फूड ऑर्डर कर सकते हैं। 2018 में फास्ट फूड इंडस्ट्रीज ने ग्लोबली $570 बिलियन का रेवेन्यू कमाया है, जो बहुत से देशों की GDP से ज़्यादा है। और तो और, ये रेवेन्यू नासा के रेवेन्यू से 4 गुना ज़्यादा है, जो नासा ने चांद पर जाने के लिए खर्च की थी। नासा के प्रोजेक्ट अपोलो की टोटल कॉस्ट सिर्फ $147 बिलियन थी। इससे ज़्यादा का रेवेन्यू ये इंडस्ट्रीज कमा रही है। आज इस वीडियो में हम आपको फास्ट फूड इंडस्ट्रीज की हिस्ट्री और इसकी मशहूर होने की सबसे बड़ी राज बताएंगे। फास्ट फूड की मशहूर होने का एक वजह इसके नाम में छुपा हुआ है। फास्ट फूड मतलब ऐसा खाना जो जल्दी रेडी हो और डिलीवर किया जा सके, क्योंकि इसका इंग्रेडिएंट प्री हीट या प्री कुक फॉर्म में मौजूद होते हैं, और जैसे ही हम ऑर्डर करते हैं चंद ही मिनटों में मज़ेदार फास्ट फूड हमारे सामने पेश होता है। अगर हम फास्ट फूड की हिस्ट्री देखी जाए तो दुनिया में फास्ट फूड की शुरुआत ऑटोमेट रेस्टोरेंट से हुई। ऑटोमेट फास्ट फूड रेस्टोरेंट हुआ करता था, जहाँ खाने पीने के लिए अलग अलग खाने के लिए अलग अलग मशीन होती थी। ऑटोमेट ऐसा कैफेटेरिया होता था जहाँ लोग आते थे, कॉइन मशीन में डालते थे और उसके बदले में मशीन उनको खाना देती थी। ये टेक्नोलॉजी आज भी मौजूद है। दुनिया के पहला ऑटोमेट का नाम कुजियाना था, जो जर्मनी के शहर बर्लिन में 1895 में खोला गया। उस टाइम कुजियाना मशीन से हर चीज़ ले सकते थे, एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी और एक गर्म खाना भी। फास्ट फूड इंडस्ट्री जिसको आप और हम जानते हैं, इसकी शुरुआत 1921 में अमेरिका की स्टेट कैंसस के शहर विचिटा में शुरू हुई। वाइल्ड कैस्टर के नाम से पहला फास्ट फूड चेन स्टार्ट हुआ, लेकिन उन दिनों ये आइडिया कामयाब नहीं रहा, क्योंकि कुछ सालों बाद ही World War II शुरू हो गया, और World War II के दौरान लोग ज़्यादातर घर पर रहते थे, इसलिए घर का खाना पसंद करते थे। मगर जंग के बाद जहां दुनिया में बहुत सी चेंजेस हुई, वहां खाने के मामले में लोगों की पसंद बढ़ने लगी। जो लोग पहले घर में खाना खाते थे, अब वो घूमने लगे थे, अब वो लंच और डिनर मोस्टली बाहर करते थे। 1948 में दो अमेरिकन भाई, जिन्हें मैकडोनल्ड ब्रदर के नाम से याद किया जाता है, उन्होंने स्पीडी सिस्टम के नाम से रेस्टोरेंट खोला। यहाँ मेन फोकस बर्गर फ्राइज और मिल्क शेक पर था। एक मज़ेदार बर्गर फ्राइज 15 सेंट में मिल जाता था उस वक्त, आजकल ये रकम $1.6 के लगभग बनता है। इन एंड आउट बर्गर चेन भी 1948 में स्टार्ट हुई। इसके बाद कुछ सालों में बहुत से फास्ट फूड कंपनी स्टार्ट होने लगी। KFC भी 1952 में शुरू हुआ, बर्गर किंग 1954 में शुरू हुआ, 1955 में मैकडोनल्ड शुरू हुआ, इसी तरह पिज़्ज़ा हट 1958 में शुरू किया गया। ये सब 50s की बातें हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा फ्रेंचाइज किस फास्ट फूड चेन की होगी, तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में मैकडोनल्ड का नाम आएगा। मैकडोनल्ड का पूरे दुनिया में फ्रेंचाइज सिर्फ 38,641 है, ये फिर भी दूसरे नंबर पर है। वर्ल्ड सेकेंड हाइस्ट फ्रेंचाइज है इसका। पहले नंबर में सबवे है, जो 2019 में सबवे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेंचाइज चेन थी, और पूरी दुनिया में इसकी फ्रेंचाइज लगभग 40,000 थी। जब फास्ट फूड शुरू हुआ तो दुनिया भर में मोटापा प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि कम लोग मोटापा होते थे। लेकिन फास्ट फूड शुरू होने के 50 साल बाद एक सर्वे किया गया तो पता चला कि पूरी दुनिया में फास्ट फूड आने के बाद सिर्फ अमेरिका में ही 40% लोग ओवरवेट हो चुके हैं। 2016 में एक सर्वे किया गया जिसमें एक चीज़ सामने आई कि पूरी दुनिया में लगभग 1.9 बिलियन एडल्ट ओवरवेट हो चुके हैं। ये रेशियो 39% बनती है। फास्ट फूड में बहुत कैलोरीज होती है। एक एवरेज पर्सन रोज़ाना 2000 से लेकर 2500 कैलोरीज की ज़रूरत होती है।
जबकि डबल फ्राइज और चॉकलेट शेक एक नॉर्मल इंसान एक ही सीटिंग में 2000 से ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेता है। दोस्तों, फास्ट फूड से सिर्फ मोटापा ही नहीं हो रहा था, बल्कि इसकी प्लास्टिक स्पून, प्लास्टिक स्ट्रॉ और शॉपिंग बैग ने दुनिया का माहौल ख़राब करना शुरू कर दिया था। और हर साल दुनिया में लगभग 2,40,000 टन प्लास्टिक वेस्ट होते हैं, जो कि समुद्र को पॉल्यूट कर रहे हैं। फास्ट फूड चेन पर दबाव डाला जा रहा है कि अब वो इको फ्रेंडली पैकेजिंग यूज़ करें, लेकिन इन सारे प्रॉब्लम के बाद ऐसा नहीं हुआ कि फास्ट फूड वालों ने अपना बर्गर बनाना बंद कर दिया हो और खाने वालों ने बर्गर खाना बंद कर दिया हो, बल्कि इसका उलट हुआ है। दुनिया में फास्ट फूड की पकड़ और बढ़ चुकी थी। बर्गर किंग ने पहली बार वेज बर्गर स्टार्ट किया, जिसे बर्गर किंग का चेन देखते ही देखते दुनिया भर में मैकडोनल्ड की तरह फैल गई। अब इसके अच्छे खासे मार्केट शेयर है दोस्तों, अब आप इंडिया में भी आसानी से तलाश कर सकते हैं। जाहिर है कि फास्ट फूड दुनिया भर के सेहत ख़राब करने के बावजूद दबंग तरीके से चलता ही जा रहा है। दोस्तों, इसके पीछे एक राज है, कहने को तो ये खुला राज है, इसको समझते बहुत कम लोग हैं। वो राज है ब्रेन। जी हाँ, हमारा दिमाग। हमारा दिमाग हर चीज़ से मुकाबला कर सकता है, लॉजिकली सोच सकता है, लेकिन एक चीज़ के सामने झुक जाता है और वो चीज़ है ज़बान। ज़बान के ऊपर निकले हुए टेस्ट बर्ड्स। फास्ट फूड की तमाम कामयाबी के पीछे हमारे चटकारे हैं। आप इसके एडवर्टाइज देखिए, यम की फीलिंग ज़्यादा आएगी। इसके एडवर्टाइज के पूरे प्रोडक्शन में हेल्थ से ज़्यादा हमारे अंदर के चटकारे को बाहर आने को कहते हैं, क्योंकि ये हमारे दिमाग से खेलते हैं। दोस्तों, आप क्या बर्गर या फास्ट फूड को इंसान के हेल्थ के लिए बेहतर समझते हैं या आप इसे बेहतर नहीं समझते? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।